कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है YNT 7074 वायरलेस ईयरबड्स। सो जैसे कि देख सकते हैं आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। सो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है देखने को इस YNT 7074 में। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके बॉक्स पैकिंग की, तो आप देखोगे तो येलो कलर में इसका पूरा बॉक्स मिल जाता है देखने के लिए, और बॉक्स के ऊपर जो ईयरफोन्स का लुक मिलता है आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ आता है यहाँ पे। और नेट्रा मैक्स की ब्रांडिंग है तो यहाँ पे आपको नेट्रा मैक्स मिल जाता है देखने को। इस कॉर्नर पे आप देखोगे तो इसका मॉडल मिलता है देखने के लिए YNT 7074। तो चलिए निकालते हैं इसको फटाफट बॉक्स से बाहर। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो डबल पैकिंग के साथ आता है ये। एक पैकिंग ये ऊपर से मिल जाता है देखने के लिए, दूसरा पैकिंग है उसके अंदर मिल जाता है देखने को। इसको यहाँ से ओपन करता हूँ मैं और कुछ इस तरह का पैकिंग मिल जाता है देखने के लिए आप देखोगे तो। दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन टू हेयर ओपन यूजर मैनुअल। स्कैनर को आप स्कैन करेंगे तो इसका यूजर मैनुअल आपको दिख जाएगा पूरा। उसी के साथ आप देखोगे तो यहाँ पे मिलता है एक टाइप सी चार्जिंग केबल चार्जिंग के लिए। फाइनल दोस्तों बॉक्स के अंदर मिल जाता है यहाँ पे इसका ईयरबड देखने को। सो यहाँ से निकालता हूँ इसको बाहर। दोस्तों यहाँ पे जो इसका ईयरबड्स और केस मिलता है देखने के लिए आप देखोगे तो काफी यूनिक डिजाइन के साथ आता है ये। और यहाँ पे जो इसका लुक मिलता है देखने को काफी जबरदस्त लुक मिल जाता है देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो इसका केस आता है आप देखोगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट आता है, तो ऊपर का जो बॉडी है पूरा ट्रांसपेरेंट मिल जाता है देखने के लिए। आगे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जिसपे बैटरी का इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है देखने के लिए। उसके साथ आप देखोगे तो यहाँ पे यल और आर का सिंबल मिल जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी आराम से पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट्स लेफ्ट का है और कौन सा पार्ट्स राइट का है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती है देखने के लिए। पीछे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको चार्जिंग पे डाला है, और चार्जिंग पे डालने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले इंडिकेटर शो कर रहा है, और आप देखोगे तो 100% अभी ये चार्ज है इसका केस। और ये काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए, आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाता है ऊपर देखने को। सो ये कम्प्लीटली फुल चार्ज होगा इसका केस, तो आपको काफ़ी आराम से पता चल जाता है कि जो इसका केस है कम्प्लीटली फुल चार्ज हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ईयरबड्स का जो निकालने और डालने का तरीका है इसका काफ़ी यूनिक है, और ईयरबड्स को निकालने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। काफ़ी आराम से दोनों ही ईयरबड्स को निकाल सकते हैं और काफ़ी आराम से बैठ जाता है इसके केस के अंदर जाकर। तो ईयरबड्स को निकालने और डालने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। साथ साथ दोस्तों आप देखोगे तो दोनों ही ईयरबड्स पे नेट्रा मैक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने के लिए। इसका जो बड्स मिलता है आप देखोगे तो पूरा वाइट कलर में मिल जाता है देखने को, और बड्स को जैसे ही आप केस से बाहर निकालोगे यहाँ पे एक छोटा सा LED इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ मिल जाता है देखने को। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन की, तो मैं बता दूँ आपको 5.0 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है इसमें। 10 मीटर के ट्रांसमीटर डिस्टेंस के साथ आता है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके चार्जिंग टाइम की, तो इसे चार्ज करने में 3 घंटा कंप्लीट लग जाएगा आपको, तो 3 घंटे में कम्प्लीटली फुल चार्ज होता है इसका केस। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके केस बैटरी कैपेसिटी की, तो मैं बता दूँ आपको 350 mAh की बैटरी है केस के अंदर। ईयरफोन बैटरी कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ 35 mAh के बैटरी के साथ आता है, तो जो ईयरफोन के अंदर बैटरी मिलता है 35 mAh का बैटरी मिल जाता है देखने को। ट्रांसमीटर डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 मीटर के ट्रांसमीटर डिस्टेंस के साथ आता है ये। दोस्तों कंपनी क्लेम करती है 32 आवर्स बैटरी बैकअप का, बट मैं बताऊंगा आपको इसका रियल प्लेबैक टाइम कितना है और कितना घंटा कंटिन्यू यूज करोगे, कितना परसेंट वॉल्यूम पे तो चलेगा। सो पहले मैं ट्राई करता हूँ इसको सॉन्ग पे कॉलिंग पे, उसके बाद हम बात करेंगे इसी TWS के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके फिटिंग की, तो आप देखोगे तो दोनों ही कान में काफ़ी अच्छे तरीके से जाके बैठ जाता है।
और फिटिंग काफी अच्छा है इस ईयरफोन का। फिटिंग के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस ईयरबड्स में। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ अपना गर्दन हिलाकर। आप देखोगे इतना तेज गर्दन हिलाने के बाद भी दोनों में से कोई भी ईयरबड्स कान से बाहर नहीं आया है, तो फिटिंग के मामले में काफी बढ़िया लगा मुझे ये ईयरबड्स। दोस्तों काफी टाइम तक मैंने कॉल पे बात किया इस ईयरफोन से, तो कॉलिंग पे भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी आवाज ब्रेक नहीं हो रहा था, तो कॉलिंग वगैरह पे काफी अच्छे से आप बात कर पाओगे इस ईयरफोन के साथ। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है इसका। बेस ज्यादा नहीं है बट साउंड क्वालिटी एवरेज मिल जाता है इसमें। प्राइस के हिसाब से जो साउंड क्वालिटी मिलती है इसमें, काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाता है इस ईयरफोन में। तो साउंड क्वालिटी मुझे काफी बेस्ट लगा इसका। और मैं बता दूं आपको, ये जो ईयरफोन लें ओनली कॉलिंग और म्यूजिक के लिए काफी बढ़िया हो सकता है, गेमिंग वगैरह अगर आप करते हो तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। गेमिंग वगैरह पे नहीं यूज कर पाओगे इस ईयरफोन को, ओनली कॉल और म्यूजिक पे यूज कर सकते हो काफी अच्छे से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके टोटल प्लेबैक टाइम की, तो मैं बता दूँ आपको कंपनी क्लेम करती है 32 आवर्स बैटरी बैकअप का, बट ये 32 आवर्स कंटिन्यू नहीं चलता है। यहाँ पे 25 से 26 घंटा आप इसे यूज कर सकते हो 50% वॉल्यूम पे। अगर 50% वॉल्यूम पे आप सुन रहे हो इन ईयरफोन को, तो आराम से 25 से 26 घंटा यूज कर सकते हो कंटिन्यू। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये टच कंट्रोल आता है, तो आप टच करके कॉल रिसीव, कॉल डिस्कनेक्ट, सॉन्ग प्ले, पोज, नेक्स्ट बैक भी कर पाओगे इन ईयरबड्स के साथ। तो यहाँ पे टच कंट्रोल का फीचर मिल जाता है इस ईयरबड्स में। दोस्तों ये जो TWS है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आपको लोकल मार्केट से ही जाके लेना पड़ेगा इसे। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की, तो 1000 से नीचे ही आपको मिल जाता है, 899 या 999 रुपये के आसपास मिलता है। तो फाइनल दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।